गैदरिंग यहाँ पूरे सिंध में खुशी का आलम है। वहाँ यहाँ कुछ दोस्त एहतजाज पे बैठे हुए हैं, वहाँ वहीं से ही हम इनसे इनका भी राय लेते। हमने देखा कि पहले इनकी राय ले, अपने नाजरीन को हम इनका बताए कि ये लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पे। तो आइए मिलते हैं इनसे, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। सर नाम? सिंधी नाम। जी सर, क्यों बैठे हुए? पूरी सिंध खुशी मना रही है सिंध सकाफत डे की, और यहाँ पे चंद दोस्त आपके साथ एहतजाज पे बैठे हैं, क्या वजह है? ये बुनियादी तौर पर ये खुशी नहीं मना रहे हैं, ये भी एक मातम है, क्योंकि यहाँ पर एहतजाज करने का हक नहीं है। हम इस तरह भी अपनी सकाफत और अपने पहचान के लिए अपना उसका मजाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर हम बैठे हैं जो सिंध के अंदर पॉलिटिकल वर्कर्स को एजेंसी उठाकर ले जाती है, उनके मशक शुदा लाशें फेंकती है, उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कोई गौर यहाँ कब से बैठे हुए हैं या किसी इदारों ने आपसे रब्ते किए? हम हर इतवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बैठते हैं यहाँ पर। हर इतवार को दोपहर से 12 बजे 3 बजे, ये सिलसिला कितने दिनों से जारी है? ये उठाने का सिलसिला तो जुल्फकार अली भुट्टे से शुरू है। एहतजाज का सिलसिला जो यहाँ बैठा, ये एहतजाज 2020 से शुरू है। 2020 से यहाँ आप मुसलसल हर इतवार को यहाँ बैठे हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं सिंध के और डिविजन्स में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में एहतजाज करते हैं, मगर बुनियादी तौर पर ज्यादातर यहाँ पर बैठते हैं। हम यहाँ सिंध कल्चर डे को हम कवरेज देने आए, तो हमने देखा कि यहाँ कुछ हमारे दोस्त भाई एहतजाज में बैठे हैं, तो हमने पहले उनको वहाँ करने से पहले हमने आपको सोचा कि आपका मौका ले लें, कि आपका क्या मौका है? हम यहाँ बैठे हैं कि सिंध के साथ जो 75 ईयर से जबर हो रहा है, यहाँ हमारे सिर्फ बच्चे नहीं उठाए जा रहे, हमारे शागिर्द नहीं उठाए जा रहे, यहाँ पर हमारे वसाइल पर, हमारे साहिल पर, हमारे पहाड़ों पर और हमारे आयल पर, गैस पर, कोयले पर, शहरों पर और अभी झूठे डोमिसाइल बनाकर हमारी पहचान पर हमला हो रहा है, कब्जा हो रहा है। हम ये एहतजाज इसके लिए मुसलसल कर रहे हैं। आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आप आए हैं, आप हमारे इस एहतजाज को अगर 10 लोगों तक, 50 लोगों तक, 1000 लोगों तक भी पहुंचाएंगे तो ये भी आपके हमारे साथ। जो यहाँ पे हुकूमत सिंध की है, मतलब जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उसमें 90% सिंधी है, तो अपने लोगों को अपने लोग इंसाफ नहीं दे पा रहे? पीपल्स पार्टी सिंध की सिंध की पार्टी नहीं है, पीपल्स पार्टी ही जितना कुछ जबर हम पर हो रहा है, ये सितम हो रहा है, उसके पार्टनर है एस्टेब्लिशमेंट फेडरेशन पाकिस्तान जो लूट रहा है, उसमें पीपल्स पार्टी उसकी पार्टनर है। पीपल्स पार्टी तो अपनी हुकूमत हमारे घर के सामान और हमारे वसाइल वसाइल बेचकर ही अपनी हुकूमत चलाती है। एक चीज, आप यहाँ मिसिंग पर्सन का एहतजाज कर रहे हैं बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान असेंबली और हाई कोर्ट के आगे बरसों से लोग बैठे हुए हैं, बलोच रहनुमा बैठे हुए हैं कि बलोच मिसिंग पर्सन हो रहे हैं, और इसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी KLM करती है कि हमारे लोग भी मिसिंग पर्सन है, तो ये तमाम जमातों के लोग मिसिंग पर्सन है क्यों? तमाम लोगों के, जैसे आप एहतजाज कर रहे हैं इसी तरह बलोच लोग भी एहतजाज कर रहे हैं बलूचिस्तान में कि हमारे लोग मिसिंग हैं, इसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी ये क्लेम करती है कि हमारे लोग मिसिंग है, तो ये तमाम पार्टियों के लोग क्यों मिसिंग हो रहे हैं यहाँ से, कौन कर रहा है? ये मिसिंग इसलिए हो रहे हैं कि वो सवाल करते हैं, वो अपने हुकूक के लिए खड़े होते हैं, और बंदूक को किसी की बात, किसी का सवाल पसंद नहीं है। ये बंदूक ही है जो 75 ईयर से पहले बंगालियों को उसने 30 लाख लाशें दी है, उसके बाद बलोच और सिंधियों को एक साथ वो मार रही है और उनके वसाइल पर और साहिल पर कब्जा कर रही है, इसलिए मिसिंग हो रहे हैं। जो भी बोलेगा, सवाल करेगा, एहतजाज करेगा, उसे उठा लिया जाएगा, ये इनका मौका है। हुकूमती सतह पे आपके जो मुतालबात हैं वो सुने गए या नहीं? ये तो अंधों की हुकूमत है, बहरों की हुकूमत है, ये तो हमारा गोश्त नोचने के लिए, हमारे बजट खाने के लिए, हमें दबाकर खत्म करने के लिए हुकूमत है, ये कोई फलाही या हमारे हुकूक के लिए हुकूमत नहीं है कि हमारे हुकूक को महफूज करे
नए कानून बना के हमें और महफूज करे, जो कानून बने हुए हैं उस पर अमल करवाए। ये तो लुटेरे हैं, वफाक में हो या इधर हो या जीएचक्यू में हो, सब लुट रहे हैं हमें। अच्छा, उनको पैगाम देना चाहे जो बाकी तंजीमें अपने मिसिंग पर्सन का एहतजाज कर रही हैं, वो अगर आपके साथ मिलके एक इस एहतजाज का दायरेकार बढ़ा के अपने मुतालबात पूरे कराए जाए तो? देखिए, उठाते ही यही है, वो एजेंसियां उठाती है सिंध पुलिस के तवसुत से, और सिंध पुलिस जो है वो सिंध हुकूमत के तवसुत से, ये सारे मिले हुए हैं, ये मिलके हमें मार रहे हैं और मिलके हमें लूट रहे हैं। तो इसलिए इनके इनको पता है, ये यहाँ पर 500 के सीसीटीवी लगी हुई है, उनको पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, सिंधी कौम के हकूक के लिए आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो जमातें सिंधी कल्चर डे मना रही हैं उनका ये फर्ज नहीं बनता था पहले आके आपके एहतजाज में का हिस्सा बनते? बुनियादी तौर पर ये पार्टियों का एहतजाज ये प्रोग्राम नहीं है, ये चैनल्स का प्रोग्राम है, जो सिंधी चैनल है टीवी चैनल है, ये उनके प्रोग्राम है। तो उसके बावजूद भी उनको आना चाहिए, मगर नहीं आते तो हम क्या करेंगे, हम तो अपना हक निभाएंगे। यहाँ पे एक हमारी बहन भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि क्या बहन आप क्यों बैठी हुई हैं यहाँ पे? ये मिसिंग पर्संस के लिए और दीगर डिमांड्स के लिए एहतजाज हो रहा है, जिससे मैं एग्री करती हूँ। मैं प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव से ताल्लुक रखती हूँ, एक शागिर्द हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि हम तलबा के साथ भी और दीगर शहरियों के साथ भी हुकूक तल्ब किए जाते हैं, और उसके लिए ये जो मिसिंग पर्सन का मसला है ना, पाकिस्तान की बहुत सी तंजीमें इसको क्लेम करती हैं कि हमारे लोग भी मिसिंग हो रहे हैं, कि ये मिलके एहतजाज कर रहे हैं, या स्टूडेंट लेवल पे कोई ऐसा एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए जिससे पाकिस्तान गवर्नमेंट की या जो लोग मिसिंग पर्सन करते हैं उनकी आंखें खुले और उनको यहाँ पे अदालतों में पेश करें। मैं वैसे तलबा बहुत अरसे से सियासत कर रही हूँ, 2-3 साल हो गए, हमारी तंजीम से भी जो स्टूडेंट्स हैं वो उठाए गए सिर्फ इस बुनियाद पर कि हम एहतजाज करते हैं फी हाइक्स के खिलाफ, लेकिन फी हाइक्स के उस बजट से ताल्लुक रखती है जो बजट हमारे तकसीम हो रहा है दीगर इदारों में, और हम तालीम को बजट नहीं दिया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने पर भी हमारे शागिर्द जो है वो मिसिंग पर्सन कर दिए गए, तो हमने खिलाफ उसके एहतजाज किए हैं बहुत सारे, और हर दफ़ा यहाँ प्रेस क्लब में जब भी एहतजाज होता है तो हम यहाँ शामिल होते हैं, यकजहती का इजहार करते हैं। ये तो सिंध सभा की तरफ से एहतजाज किया गया है, हम इसमें PAC की तरफ से आए हैं, लेकिन हम बिल्कुल ये डिमांड मानते हैं कि जितने भी मिसिंग पर्सन हैं उनको फौरी तौर पर बाजियाब किया जाए, क्योंकि हम पुरमन शहरी हैं, हमें अपने सवाल उठाने पर तनकीद करने का हक दिया जाए। अच्छा, मिसिंग पर्सन के अलावा भी मेरी बहन यहाँ से सिंध के लोगों के काफ़ी हक मारे जाते हैं, अगर बलोचिस्तान अब पंजाब या दीगर सूबों में जाएं रोड की या लॉइंग ऑर्डर की सिचुएशन सिंध के काबिल बहुत बेहतर है, और सिंध में ना कोई रोड है ना रास्ते ना कोई लॉइंग ऑर्डर का कोई सिचुएशन है, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो जिनका हाथ है ऊपर हमारे पार्टियों पर जो हुक्मरानी करती हैं उनको वो अपने फ़ायदे देखते हैं, आवाम के फ़ायदे नहीं देखते। ये बिल्कुल मैं इसे अग्री करती हूँ बात से कि सिंध की हालत बहुत ख़राब है और हमें मुतबादल की ज़रूरत है, और वो मुतबादल कब आता है उसके लिए जदोजहद हम जारी रख रहे हैं, हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं, देखते हैं कि कब तब्दीली आती है। अच्छा, ये जो सिंध का वज़ीर आला है वो भी अंदरूनी सिंध से? अंदरूने सिंध में नहीं समझती, पूरा ओवरऑल सिंधी है, लेकिन ये है कि हमारे बुजुर्ग और जो दीगर लोग हैं फ्यूडल हैं वो यहाँ से पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बाहर जाकर पढ़ते हैं, और इलीटिस्ट क्लास के लोग हैं, वर्किंग क्लास के हम हैं, मेहनत कश तबके से हम ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा कोई भी नुमाइंदा आगे असम्बली में नहीं है, तो हम इनको मानते ही नहीं हैं। एक सिंधी स्टूडेंट को मैसेज आप देना चाहें? मैं सिंधी स्टूडेंट समेत दीगर स्टूडेंट्स को, बलोच स्टूडेंट हो या पंजाबी स्टूडेंट हो KPK का स्टूडेंट हो, यही मैं पैगाम दूंगी कि अपनी आंखें खोलें, तनकीद करें, जो हक हमसे छीना जा रहा है उसके खिलाफ मुजाहमत करें और इस तरह के एहतजाज में शिरकत करें। बहुत अच्छा, शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे सिंध सभा की तरफ से एक एहतजाज रिकॉर्ड किया जाए, जो मिसिंग पर्सन सिंधी मिसिंग पर्सन हैं या और सिंध के लोगों के, एक तरफ जश्न का माहौल है, दूसरी तरफ यहाँ सिंध कौम परस्त तंजीम की तरफ से एक एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं पे ही हम अपने उन इदारों से अपील करते हैं और के यहाँ पे यहाँ आप आके अपने इदारों का चाहिए कि इनका इंसाफ करें, इनके मुतालबात सुनें, ये क्या कह रहे हैं, अगर इनके अजीज़ अकारिब, अगर वो, इनका ये कहना नहीं है कि उनको रिहा कर दिया जाए, इनका कहना ये है कि
कि उनको अदालतों में अगर उन्होंने कोई जुर्म किया, अगर उन पे कोई जुर्म साबित होता है तो उनको अदालतों में पेश किया जाए, जो अदालतों से सजा उनको तजवीज होगी वो इनको मंजूर है। पसंद आए तो हमारे चैनल शानदार पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।